फ्यूचर मेकर लाइफ केयर की शुरुआत आज से ढाई साल पहले 12 फरवरी 2015 को हुई थी, एक आदमी एक प्रोडक्ट के साथ एक मीटिंग से। आज आप सभी को बताने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ देखने से ही पता लग रहा है कि फ्यूचर मेकर में 2 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स हो गए हैं, 70 हमारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं, साथ ही साथ भारत के लगभग सभी राज्यों में काम चल रहा है, हमारे शॉपी डिपो ओपन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस सिस्टम की सक्सेस किन की वजह से हुई है। इस सिस्टम की शुरुआत की है राधेश्याम जी ने, सीसवाल आदमपुर के रहने वाले हैं और इनको मार्केटिंग में 16 साल का एक्सपीरियंस है। आज इन्हीं की बदौलत। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, फ्यूचर मेकर का बिजनेस आपने देखा होगा और उसका प्लान भी आपने देखा होगा, और फ्यूचर मेकर में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो फ्यूचर मेकर के प्रॉपर रुपये से जो सेवा कर रहे हैं वो भी आपने देखी होगी। फ्यूचर मेकर के द्वारा कन्यादान योजना चल रही है, लोग गरीब बेटियों की शादी करवा रहे हैं, कोई प्याऊ बनवा रहा है, कोई धर्मशाला बनवा रहा है, कोई गौशाला में दान कर रहा है, अलग अलग सब आप काम है। इसके अलावा हटके कुछ आज एक काम हुआ है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जो आप गट्टा देख रहे हो, ये श्री ज्ञानराम जी काछवाल की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र राजेंद्र जी सामान्य बनवाया है। ये गट्टा है फ्यूचर मेकर के द्वारा प्राप्त रुपये से खुश होकर उन्होंने बनवाया है। इस गट्टे की एक चबूतरे की विशेष खास बात यह है कि एक विशेष पत्र से बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हो ये विशेष पत्र है, ये हजारों साल तक इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है। ये सिर्फ फ्यूचर मेकर की याद में, अपने दादाजी की याद में स्मृति के अंदर बनाया गया है। इसके साथ में भी इस गट्टे के निर्माण का एक मकसद और है। इसका मकसद है ये जो बड़ा सा आप देख रहे हो वटवृक्ष, ये भी मजबूत होगा, और पुराना वटवृक्ष है ये गट्टे से, इसके निर्माण से ये भी मजबूत हो गया। इसकी आप देखते हो लंबाई चौड़ाई लगभग 1 लाख की लागत से ये गट्टा बनवाया गया। इसके अलावा इन्होंने अस्थाई प्याऊ बस स्टैंड पर लगवाई है, वो भी चल रही है। इसके अलावा गायों में जो सुबह सुबह इन्होंने एक रूटीन बना रखा है कि भी गायों को चारा खिलाना है, सुबह सुबह गायों के आवारा जो गोवंश है गांव में जो घूम रहे हैं 50-60 गायों की सेवा करते हैं हर रोज। देख सकते हो आप इस गट्टे का निर्माण। ये लंबा चौड़ा खूब है, इस पे पक्षी भी दाना चुग सकते हैं, पक्षियों के दाना चुगने के लिए बनाए हैं। ये हमारे यहाँ नागौर डिस्ट्रिक्ट का एक विशेष पत्थर है, इसके द्वारा बनाया गया है, इसको आप देख सकते हो इसके द्वारा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है खूब लंबा चौड़ा बनवाया गया है। चलो, इस सिलसिले में हम बात करते हैं राजेंद्र जी शर्मा से, उनकी क्या राय है, इनके पीछे बनाने का इनका क्या मकसद है, क्या जो फ्यूचर मेकर से इतने प्रभावित हुए हैं। देख सकते हो आप उनकी, इस राजेंद्र प्रसाद जी है या नमस्कार नमस्कार, क्या किस हिसाब से आपने ये गट्टा बनवाया, ऐसी क्या प्रसन्नता हुई आपको फ्यूचर मेकर के रुपये के द्वारा जो आपने ये 1 लाख रुपये की लागत से ये गट्टे का निर्माण करवाया। जी सर, ये मेरे तो फ्यूचर मेकर के पेमेंट आ रहा है उसकी खुशी में बनाया है मैंने, और गांव वालों की भी सहमति है, गांव वालों को पूछ के बनाया है, और पिताजी ने बोला कि आप कुछ करो तो दादाजी के यादगार में पिताजी के कहने से ये बनाया हूँ, और जो भी मेरे से सेवा होगी उसके गांव में जो भी करने के अच्छा काम करने के लिए मैं तत्पर हूँ, और जो आवारा गोवंश है उसके लिए भी मैं थोड़ी बहुत मेरे से बनती है जो सेवा करता हूँ, और जो कुछ प्याऊ लगवाई है मैंने तो बस स्टैंड के ऊपर कैसे लोग आते जाते रहते हैं उसके लिए भी बहुत बढ़िया है, और तो क्या है मेरे से बनता है जो भी मैं करता हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने राजेंद्र प्रसाद जी के कितने ऊँचे विचार है। तो दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो आपके फ्यूचर मेकर के द्वारा जो आपको बैलेंस आ रही है, जो मनी आ रही, जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं आपको लगता है, तो वो सामाजिक में गांव में या आप अपने शहर में या नज़दीकी में गौशाला बनवाइए, प्याऊ लगवाइए, कोई चबूतरा, आपको ऐसा लगता है गांव में अपने विकास की जरूरत है तो पैसे आते और जाते रहते हैं, हो सकता है आपके पैसों से किसी की दुनिया बदल जाए, कोई समाज बदल जाए, कोई गाँव बदल जाए, कोई विकास हो जाए। तो दोस्तों, लगे रहिए, जय फ्यूचर मेकर।
अगर आप भी लाखों रुपये हर महीना कमाना चाहते हैं तो जुड़िए इस कंपनी के मेंबरशिप बनिए और कमाइए हर महीने लाखों रुपये। जी हाँ, लाखों रुपये कमाइए। आज हमारे दोस्त राजेंद्र जी शर्मा मुकाम डाब गांव, जिसने लाखों रुपये आज हर महीने कमा रहे हैं और 50% हिंसा सार्वजनिक निर्माण, जी हाँ हमारे गांव में एक गट्टे का निर्माण करवाया है और पशु जो भूखे प्यासे घूम रहे थे हमारे गांव में 20-30, उसको चारे और पानी की व्यवस्था की जा रही है राजेंद्र जी शर्मा द्वारा। तो आप भी दोस्तों इस मौके से चुपके ना, आप भी सार्वजनिक निर्माण काम में भाग ले ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे पशु हमारी गाय माता भूखी प्यासी नहीं रहे। यही हमारा हिंदू इंसानों का काम है।